ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, साप्ताहिक राशिफल 13 मार्च से लेकर 19 मार्च कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। इस वीडियो को प्रारंभ करूँ इससे पहले बता दूँ कि ये जो हफ्ता बीतने वाला है 13 मार्च से लेकर 19 मार्च, इसमें सबसे पहले दिन अर्थात 13 मार्च को मंगल का राशि परिवर्तन और फिर 15 को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और गोचर में जो स्थिति है अब खतरनाक होने वाली है धीरे धीरे। तो इस वीडियो को आप आराम से समझिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को प्रारंभ करूँ इससे पहले बता दूँ कि जो वीडियो का जो हमारा ये जो प्रिडिक्शन होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन लगन, एसेंडेंट के ऊपर आधारित होता है, तो इसको चंद्र राशि या सूर्य राशि के अकॉर्डिंग मत देखिएगा। अब हम बात करते हैं मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का ये पूरा समय कैसा बीतने वाला है। तो सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं और आपकी सुविधा के लिए मैं इसको डिस्प्ले में भी दिखाऊंगा। मेष लगन वाले जातकों के लिए जो चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है, चंद्रमा जो रहेंगे वो वृश्चिक राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम नवम दशम और एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। सबसे पहले तो बात करें आपका जो लग्नेश है वो खुद अपने कारक भाव में तीसरे भाव में चला जाएगा और अब समय आएगा जो नेम फेम आपको देने का, जो आपका लग्नेश है वो पूरे तरीके से नेम फेम देना और कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के योग को लेकर हफ्ते का प्रारंभ होगा। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। चंद्रमा जो रहेंगे आपके भाग्य में रहेंगे और आपके सुख का मालिक भाग्य में रहेगा, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ अच्छे समाचार सुनने को ज़रूर मिलेंगे। इस हफ्ते कई रुके हुए कार्य के बनने की संभावना बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देगा। विशेष रूप से अगर किसी को वायरल फीवर था या हेल्थ इश्यूज काफ़ी लंबे टाइम से थे, सही नहीं हो रहे थे, तो अब वो हेल्थ इश्यूज खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। एक अच्छा स्वास्थ्य भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। हफ्ते का अंत जब चंद्रमा आपके दशम में, चंद्रमा जब आपके एकादश भाव में रहेंगे, ये वो समय रहेगा जब आपको चंद्रमा अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन परेशानी कहाँ करेंगे, रिलेशनशिप में थोड़ी परेशानी हो सकती है। आपके जीवन के साथ, आपको जीवन साथी के साथ आपको कष्ट का अनुभव हो सकता है और बाकी कोई बहुत ज़्यादा परेशानी इसके अलावा नहीं देख रहा हूँ। बस राहु और शुक्र की जो युति है ये भी लगन में बैठा हुआ आपको तमाम ऐश्वर्य भी प्रदान करने वाला है। लेकिन राहु चांडाल कहलाता है, शुक्र एक अच्छा शुभ ग्रह माना जाता है और आपके धन का मालिक लगन में जाकर शुक्र के साथ बैठा है, तो पॉलिटिकल तरीके से आपकी वाड़ी हो जाएगी और इस कारण से कई प्रकार के झूठ भी आप बोल सकते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा, नहीं तो एक झूठ जो रहेगा वो राहु के साथ होने के कारण आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम आगे जाकर जब शुक्र अपना राशि परिवर्तन करके मालव्य योग बनाएंगे तो परेशानी और बढ़ेगी। इसके अलावा वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन के लिए ये हफ्ता चंद्रमा का जो गोचर रहेगा, आपके सप्तम अष्टम नवम और दशम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा और पराक्रमेश चंद्रमा इस समय जो रहने वाले हैं वो आपके सप्तम भाव में रहेंगे, नीच के रहेंगे और इनका नीच भंग भी नहीं होगा क्योंकि मंगल की दृष्टि भी नहीं पड़ेगी। मंगल से षडाष्टक हो जाएंगे तो काफ़ी खराब परिणाम चंद्रमा यहाँ देंगे। प्रारंभिक दिनों में जीवन साथी के साथ वाद विवाद हो जाना, पार्टनरशिप में किसी प्रकार का मतभेद हो जाना, ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। शेयर सट्टा से संबंधित हफ्ते के मध्य में एक बड़ा नुकसान होते हुए मैं चेक कर पा रहा हूँ और किसी प्रकार के जंक फूड खाने के कारण इंटेस्टाइन का जो पोर्शन या उदर संबंधित विकार कहा जाए, उधर संबंधित विकार भी हफ्ते के मध्य में देखने को मिलेगा। हालांकि हेल्थ वैसे तो ठीक रहता था लेकिन जब से शुक्र का राशि परिवर्तन है 11 मार्च से, तब से आपको लगातार किसी ना किसी चीज़ को लेकर रोग ज़्यादा रहेगा। विशेष रूप से उधर संबंधित पीड़ा ज़्यादा हो सकती है, अभी आपको ध्यान देना चाहिए नहीं तो परेशानी बढ़ेगी। इसके अलावा आपका जो चंद्रमा रहेगा हफ्ते के अंत में आपके भाग्य स्थान पर जाएगा, तब जाकर आपके मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होना और कार्य क्षेत्र में अंतिम 3 दिन जो रहेंगे वो बहुत अच्छे रहेंगे। इसके अलावा प्रारंभिक 4 दिन जो रहेंगे थोड़े स्ट्रेसफुल रहने वाले हैं, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर बहुत सचेत रहने की जरूरत है। इसके अलावा
जीवन साथी के साथ भी बहुत अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। प्रेम संबंधों में जो प्रेम संबंध जो रहेंगे उसमें भी किसी प्रकार का ब्रेक लगना या टूटना ऐसा कुछ चार्ट में दिखाई दे रहा है। वाहन चलाते समय अब वृषभ लगन वाले जातकों को सचेत हो जाना चाहिए। ये मैं अपने वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ जिसमें मंगल का राशि परिवर्तन था। अब वृषभ लगन के बाद मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए मिथुन लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके छठवें सातवें आठवें और नवम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। ये गोचर जो रहने वाला है प्रारंभ में, क्योंकि आपके धन के मालिक जो है खर्च को देखेंगे, हॉस्पिटल को देखेंगे, तो अकस्मात परिवार में किसी सदस्य के हॉस्पिटलाइजेशन का योग यहाँ पर बन सकता है। उधर संबंधित कुछ परेशानियां आपको भी रहेगी, वृषभ में तो है और मिथुन में भी ये कंटिन्यू रहने वाली है। इसके अलावा एसिडिटी की समस्या यानी उधर संबंधित परेशानी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र को लेकर जो रुकावटें चल रही थी, हालांकि उसको हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके लिए सबसे अच्छा बीतने वाला है। हफ्ते के मध्य में जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हफ्ते के अंत में बिल्कुल भी कोई नया काम ना करें, विशेष रूप से जिनको निवेश करना है और मिथुन लगन के जातक है उनको निवेश वाले कार्यों से थोड़ा सा बच कर रहना चाहिए। कार्य क्षेत्र में कुछ रुकावट के साथ काम इस पूरे हफ्ते बनेंगे और प्रेम संबंधों में निराशा ही हाथ लगने वाली है। सेम वही जो वृषभ में चल रहा है लगभग लगभग मिथुन में भी उसी तरीके से गोचर चलने वाला है और ये पूरा हफ्ता थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है रिलेशनशिप के मामले से। इसके अलावा किसी प्रकार के वाद विवाद में आपको हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कर्क लगन वाले जातकों के लिए। देखिए कर्क लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके पंचम षष्ठम सप्तम और अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा, तो बहुत अच्छा हफ्ता मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि स्टार्टिंग में लग्नेश आपका नीच का रहेगा और ये नीच का रहने वाला जो चंद्रमा है उधर संबंधित परेशानी आपको भी काफ़ी बढ़ा सकता है। आपके उधर वाले पोजीशन में ही जाकर बैठ रहा है और खुद जो मंगल है जो आपकी अत्यंत योग कारक है कार्य व्यवसाय को लेकर आपकी ट्रैवलिंग भी कराएंगे, तो ट्रैवलिंग करने के कारण जो है कुछ थकावट का अनुभव भी आप करेंगे। लेकिन हफ्ते का जो मध्य रहेगा आपको कई प्रकार से रिलैक्सेशन दे सकता है। हफ्ते के अंत में भी कोई नया निवेश नहीं करना चाहिए। हफ्ते के अंत में परिवार में किसी प्रकार का विवाद होना, परिवार से किसी प्रकार का सेपरेशन होना ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। जब तक अष्टम में सूर्य है तब तक जो है किसी ना किसी बात को लेकर धन का अभाव होना या परिवार में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न रहेगी, तो बेहद सावधानी दीजिएगा। चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते बहुत अच्छा कर्क के लिए नहीं हो रहा है। सिंह लगन की बात करते हैं, तो सिंह लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके लगन के सापेक्ष में चतुर्थ पंचम षष्ठम और सप्तम भाव में होगा, तो हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो विदेशों से लाभान्वित जरूर करा देगा। नीच का जो चंद्रमा रहेगा बिल्कुल उच्च दृष्टि से आपके कार्य क्षेत्र को देखेगा, तो कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे। साथ में विदेश का मालिक का कार्य क्षेत्र के साथ रिलेशन होगा तो प्रमोशन इत्यादि के जिनके रुके हुए थे उनके योग बनते हैं और अकस्मात स्थान परिवर्तन का भी योग बनता है। जीवन साथी के साथ प्रेम संबंध में मधुरता आएगी। विदेशों से जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता मिलेगी। संतान से सुख की प्राप्ति भी आपको मिलेगा। पंचम भाव में चंद्रमा हफ्ते के मध्य में जाएंगे। पंचम भाव संतान का होता है, संतान से सुख की प्राप्ति आपको कराएगा चंद्रमा और विदेशों से भी लाभान्वित कराने वाला है। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो खर्चों की अधिकता ज़्यादा रहेगी, यानी इस हफ्ते सिंह लगन वाले जातकों पर किसी प्रकार का जो खर्च रहेगा, यानी अगर आपने फाइनेंशियल स्थिति को बहुत अच्छे से नहीं ध्यान में दिया तो आपकी परेशानी ज़्यादा बढ़ेगी और उसके बाद आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा जिससे कि आपका ये फाइनेंशियल स्थिति सही हो सके। एक बात मैं सिंह लगन में ज़रूर यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, अपने गुप्त बातों को लेकर, अपने सीक्रेट बातों को बिल्कुल भी किसी से डिस्कशन नहीं कीजिएगा, नहीं तो वही लोग मिलकर आपको बदनाम कर देंगे। बेहद ध्यान दीजिएगा, ये हफ्ता थोड़ा सा सेंसिटिव आपके लिए भी है। कन्या लगन के लिए ये हफ्ता अच्छा बीतने वाला है। चंद्रमा की जो स्थिति रहेगी वो आपके लगन के सापेक्ष में तृतीय चतुर्थ और पंचम षष्ठम भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा, तो हफ्ते के प्रारंभ में आय के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो लक फैक्टर होता है बहुत तगड़ा काम करेगा, लक बहुत तगड़ा काम करेगा और भाग्य के भरोसे बहुत सारे कार्यों में सफलता भी मिलते हुए दिखाई देगी। इसके अलावा दशम भाव का जो मंगल आपका है, दिशाबली मंगल जो है
कार्य क्षेत्र में कुछ रुकावट के साथ काम भी पूरा कराएगा। तो कार्य क्षेत्र को लेकर मैं कन्या लग्न में बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ, लेकिन पार्टनरशिप में कोई नया काम कर रहे हैं, बिजनेस रिलेटेड कोई नया काम कर रहे हैं, आपको कोई नया MOU साइन करना है, आपको एजुकेशन सेक्टर में रिलेटेड कोई अच्छा काम करना है, प्रॉपर्टी खरीदनी, इन सभी चीज़ों के लिए यह हफ्ता काफ़ी अच्छा रहने वाला है। रुके हुए सब काम पूर्ण हो जाएंगे और साथ में भाग्य भी आपका साथ देगा। तो हर तरीके से मैं अच्छा कन्या लगन वाले जातकों के लिए यह हफ्ता कहूँगा, लेकिन केवल आपके जो यूरिन इन्फेक्शन है वो बढ़ सकता है, बेहद ध्यान दीजिएगा। महिलाओं के लिए गायनों की परेशानी जो होगी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई देगी। तुला लगन की बात करते हैं। देखिए तुला लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन के सापेक्ष में द्वितीय से लेकर पंचम भाव तक चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा का जो ये गोचर होने वाला है आपके लिए बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला है। ये चंद्रमा का गोचर आपके लिए एक तो हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा उसमें कई प्रकार की बाधाओं से रुकावटें, जो कई प्रकार की बाधाएं थी वो खत्म हो जाएंगी और साथ में परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। हालांकि पहले दो दिन मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, जल संबंधित किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है या जल से रिलेटेड किसी ना किसी प्रकार से निगेटिव चीज़ें आपके साथ हो सकती है, चाहे वो पैर स्लिप हो गया, चाहे खराब पानी पीने से किसी प्रकार का उदर संबंधित परेशानी हो जाए, ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें इस हफ्ते हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सेंसिटिव रहना चाहिए और गुप्त शत्रुओं से भी बचकर रहना चाहिए। जब तक बृहस्पति देव षष्ठम में है तब तक शत्रुओं से भी बच के रहिए। हफ्ते का जो मध्य रहने वाला है वो सबसे अच्छा रहने वाला है। किसी भी प्रकार के रुके हुए कार्य को पूरा करना तुला लगन में षष्ठम का जो आपका पराक्रम का जो चंद्रमा रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्य व्यवसाय में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लीगल इत्यादि में अच्छा समय यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसमें लीगल केसेस में आप इनिशिएट ले सकते हैं और जीवन साथी के साथ सुख में वृद्धि होगी। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए राजनीतिक सफलता भी तुला लगन में देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र को लेकर कुछ बदलाव सा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जो लोग ट्रांसफर चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है। हालांकि ये टाइम जो रहेगा ओवरऑल ठीक समय दिखाई दे रहा है, केवल सीक्रेट बातों को किसी के साथ साझा मत कीजिएगा, नहीं तो परेशानी बढ़ेगी। वृश्चिक लगन में जो चंद्रमा रहेगा आपके लगन से लगन भाव द्वितीय भाव तृतीय और चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। परम नीच के चंद्रमा जरूर रहेंगे। भाग्येश का परम नीच में होना आपके ब्लड प्रेशर को फ्लक्चुएट कर सकता है और पिता को लेकर किसी ना किसी प्रकार की परेशानी पिता की बढ़ सकती है। तो आपका जो स्वास्थ्य है गायनो रिलेटेड परेशानी इत्यादि अगर है तो वो बढ़ेगी, लेकिन बाकी अगर गायनो रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम नहीं है तो कोई विशेष निगेटिव नहीं रहने वाला है। इसके अलावा प्रेम प्रसंग जो रहेंगे आपके बढ़ेंगे और जो शिक्षा करने की टेंडेंसी है, जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं और वृश्चिक लगन के हैं वो शिक्षा को ग्रहण करने के लिए अपना पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। निश्चित रूप से शिक्षा से संबंधित अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। उच्च शिक्षा के योग भी इस समय गोचर में वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए बन रहे हैं। हफ्ते का जो मध्य रहेगा परिवार में खुशियों से भरपूर हफ्ता रहेगा। जो धन इत्यादि रुके हुए थे उसके मिलने की संभावना बनेगी और हफ्ते के अंत तक आते आते आपके मान पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, माता का सुख मिलेगा और आय के साधन भी बढ़ने वाले हैं। वाहन चलाते समय वृश्चिक लगन वाले जातकों को पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हफ्ते के प्रारंभ में ही मंगल आपके अष्टम में गोचर करेंगे, तो इस चीज़ को बेहद ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा धनु लगन की बात करें तो धनु लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में द्वादश लगन द्वितीय और तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। तो एक वर्ड में कहा जाए तो पहला दिन छोड़ दीजिए, बाकी पहले दो दिन छोड़ दिया जाए, बाकी पाँच दिन केवल आपके फेवर में होंगे। पहले दो दिन में परेशानी किस चीज़ को लेकर आ सकती है, परेशानी स्वास्थ्य की समस्याएं ज़्यादा हो सकती हैं। जिन लोगों को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उनकी एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ सकती है और किसी प्रकार का फ्रॉड इंटरनेट रिलेटेड या ऑनलाइन रिलेटेड किसी प्रकार के फ्रॉड में भी आप पढ़ सकते हैं धनु लगन वाले जातकों को। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 12वें घर में चंद्रमा नीच का है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंडेंसी बढ़ेगा कि ऑनलाइन रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं तो सामने वाले पे ज़्यादा विश्वास कर लेंगे और इसका फ़ायदा जो होगा दूसरी पार्टी कर सकती है, तो बेहद ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 5 दिन आपके लिए अच्छा है, स्वास्थ्य भी बढ़ेगा, सुख की प्राप्ति भी बाकी 5 दिन दिखाई दे रहा है और जीवन साथी के साथ
लव रोमांस के लिए लंबे दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, और जिनके जिनके विवाह नहीं हुए थे उनके प्रेम प्रसंग अभी और बढ़ेंगे। तो ओवरऑल बाकी चीज़ें तो मुझे ठीक दिख रही है, केवल स्टार्टिंग के जो 2 दिन है वो थोड़ा कष्टप्रद है। इसके बाद हम मकर लग्न की बात करते हैं। मकर लग्न में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लग्न के रिस्पेक्ट में एकादश द्वादश लग्न में और द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। तो मकर लग्न वाले जातकों के लिए हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो जो संतान के प्रति चिंतित थे, संतान के किसी ना किसी तरीके से संतान को लेकर अगर आपके मन में कोई चिंता चल रही थी, चाहे उसके स्वास्थ्य को लेकर हो चाहे एजुकेशन को लेकर हो, तो उच्च दृष्टि से जो चंद्रमा देखेंगे प्रारंभ में तो संतान से संबंधित अच्छे परिणाम आपको ज़रूर दे देंगे। इसके बाद चंद्रमा आपको एक लंबी दूरी पर भ्रमण करने के लिए भी ले जा सकते हैं। जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं उनके लिए जॉब स्विच करने का बहुत ही अच्छा अवसर भी आपको मिलने वाला है। लेकिन राहु शुक्र की जो युति बन रही है आपके सब चतुर्थ भाव में, ये आपको राजनीतिक सफलता ज़रूर यहाँ पर भी लाएगी। बहुत दिनों से राजनीति में सक्रिय होने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिल रही है तो वो सफलता आपको मिलेगी। इसके अलावा भूमि वाहन मकान से संबंधित भी अच्छे परिणाम मिलेगा। कॉन्फिडेंस अब जो है बढ़ने वाला है मकर लग्न वाले जातकों के लिए। कुंभ लग्न की बात किया जाए तो कुंभ लग्न में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लग्न के सापेक्ष में देखा जाए तो दशम एकादश द्वादश और लग्न भाव में चंद्रमा रहेंगे। प्रारंभिक 2 दिन जो रहने वाला है माता से सुख की प्राप्ति मिलना और साथ में कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होना, लेकिन किसी फीमेल का कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से कई प्रकार के रुकावटें देखने को मिलेंगी। भाग्य यहाँ पर बढ़ेगा, लंबी दूरी की यात्राओं में कुछ कठिनाइयों का अनुभव करेंगे और मान पद प्रतिष्ठा में आपका देखिए दोनों चीज़ें इंडिकेट कर रहा है। राहु शुक्र की युति पराक्रम भाव में, स्त्रियों से सावधान रहिए या विपरीत लिंग वाले जातकों से सावधान रहिए, क्योंकि यहाँ पर मान पद प्रतिष्ठा पर बना सकती है। इसलिए अगर मान पद प्रतिष्ठा वाली बात आएगी तो थोड़ी सी दूरी आपको पहले से बना कर रखना चाहिए और कोई भी गलत कार्य ना हो इसके लिए बेहद सावधानी रखिए। नहीं तो स्त्रियों का, क्योंकि दशम में भी स्त्री और पराक्रम में भी स्त्री दोनों ही आपको निगेटिव यहाँ पर कर सकती हैं। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में जो रहेगा वो हफ्ते के मध्य में हफ्ते के अंत में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। एक लंबी दूरी की यात्रा का योग भी कुंभ लग्न में दिखाई दे रहा है और जिनके लीवर फैटी हैं उनको बेहद ध्यान देना पड़ेगा। कुंभ का जो ये पूरा हफ्ता बन रहा है थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा मान पद प्रतिष्ठा को लेकर बहुत अच्छे इंडिकेशन नहीं दिख रहे हैं। कुंभ के बाद मीन लग्न की बात करते हैं। देखिए मीन लग्न में जो चंद्रमा का गोचर है वो आपके भाग्य भाव से लेकर आपके द्वादश भाव तक चंद्रमा का गोचर रहेगा, तो अंतिम 2 दिन को छोड़ दिया जाए तो बाकी 5 दिन आपके फेवर में रहेंगे। मानसिक सुख की प्राप्ति होना, परिवार में खुशियों का वातावरण होना और साथ में भाई का बहन का छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलना, मित्र रिश्तेदारों का सहयोग मिलना, रुके हुए कार्य की पूर्ति होना, हर तरीके से अच्छे इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं। केवल हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन रहने वाला है उसमें धन का अकस्मात खर्च होना, चाहे वो संतान के ऊपर पैसा खर्च हो, चाहे वो संतान के अस्पताल या शिक्षा पर खर्च हो, या आपके उदर संबंधित रोग पर किसी प्रकार का धन खर्च होता हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कोई चिंता वाली बात एटलीस्ट मीन लगन में मैं नहीं देख रहा हूँ। मीन लगन का बाकी समय अच्छा बीतेगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम्सना। ओम नमः शिवाय।